हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डू मॉडल वर्ब के बारे में सीखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम कैन और कुड के बारे में सीखे थे। आई होप कि वो आपको क्लियर हो चुका होगा। और इस वीडियो के अंदर हम वुड और शुड के बारे में सीखेंगे। वुड का इस्तेमाल आप अपनी मन की इच्छा दिखाने के लिए करते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं रेस्टोरेंट जाना चाहता हूँ, मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ। तो ये मन की इच्छा दिखाने के लिए आपको वुड का इस्तेमाल करना है। जैसे आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे बिना पिज़्ज़ा खाने की इच्छा है। ही वुड लाइक टू ड्राइव अ कार, उसको कार चलाने की इच्छा है। दे वुड लाइक टू गो ऑन अ टूर, उन्हें टूर पर जाने की इच्छा है। इसी तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो नॉट का इस्तेमाल करना है। आई वुड नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई वुड नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना। आई वुड नॉट लाइक टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना नहीं चाहता। ही वुड नॉट लाइक टू टेक एग्जाम, उसे एग्जाम नहीं देना, उसकी देने की इच्छा नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो वुड को आगे ले लेना है, जैसे वुड यू लाइक टू गो, क्या आपको आप क्या आप जाना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू ईट, क्या आप खाना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू ड्राइव अ कार, क्या आप कार चलाना चाहते हैं। वुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो इसी तरह से आप नेगेटिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे वुड यू नॉट लाइक टू गो, क्या आप जाना नहीं चाहते। वुड यू नॉट लाइक टू प्रैक्टिस, क्या आप प्रैक्टिस करना नहीं चाहते। वुड ही नॉट लाइक टू गो, क्या वो जाना नहीं चाहता। इसी तरह से आप WH क्वेश्चन बना सकते हैं। वॉट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना चाहेंगे। वॉट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप क्या पीना चाहेंगे। वॉट वुड यू लाइक टू डू, आप क्या करना चाहेंगे। इसी तरह से हम शुड का इस्तेमाल करना है। शुड का इस्तेमाल में आपको कोई काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसी के बारे में आपको बताता है, सिखाता है। जैसे कि आई शुड गो मुंबई, मुझे मुंबई जाना चाहिए, कोई काम करना चाहिए। आई शुड प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए। आई शुड लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए। I should ask to sir, मुझे सर से पूछना चाहिए। नेगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट का इस्तेमाल करना है, जैसे I should not go, मुझे जाना नहीं चाहिए। He should not come, उसे आना नहीं चाहिए। She should not take exam, उसे एग्जाम नहीं देना चाहिए। इसी तरह से आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, शुड को पहले इस्तेमाल कर लेना है। जैसे शुड यू फॉलो पेरेंट्स, क्या आपको फॉलो पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए, हर एक को बेशक करना चाहिए। ये कोई प्रश्न की बात नहीं है, लेकिन आप इस तरह से बना सकते हैं। शुड यू गो ऑन मुंबई, क्या आपको मुंबई जाना चाहिए। शुड यू प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। इसी तरह से नॉट का इस्तेमाल करना है आपको। शुड यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। शुड यू नॉट प्रैक्टिस, क्या आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से आप WH क्वेश्चन भी बना सकते हैं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। व्हाट शुड यू लर्न, आपको क्या सीखना चाहिए। व्हाट शुड यू से, आपको क्या कहना चाहिए। व्हेन शुड यू गो, आपको कब जाना चाहिए। वेयर शुड यू गो, आपको कहाँ जाना चाहिए। तो इसी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इसी दोनों मॉडल वर्ब को बार बार रिपीट कीजिए, अलग अलग क्रियापद के साथ रिपीट कीजिए, तब तक रिपीट कीजिए जब तक क्लियर ना हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए मॉडल वर्ब के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।